नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। सूतना कपास फिर भी लठम लठा, मतलब हाथ पल्ले कुछ है नहीं, पर लाखों लोगों के जीवन को मुश्किल में डाला जा रहा है, या यूं कहे कि काम कम हो रहा है, धूल में लट ज्यादा चलाए जा रहे हैं। पर इस सब के बावजूद भारत एक बार फिर विश्व गुरु की भूमिका में है। भारत वैज्ञानिकों ने कहा है कि वे जल्दी ही इसरो का टीका विकसित कर लेंगे, वे सफलता के काफी करीब पहुंच चुके हैं। भारत वैज्ञानिकों का यह कहना ही काफी हौसला देने वाला है, पर सवाल यही है कि ऐसे दावे वादे दुनिया को पिछले 3 माह से सुनने को मिल रहे हैं, उसके बाद भी परिणाम ढाक के 3 पात हैं। लेकिन बावजूद इसके भारत अपनी विश्व गुरु की भूमिका से पीछे नहीं रह सकता है। आज फिर से भारत को अपनी अहमियत साबित करके दिखानी है। शायद इसीलिए दुनिया के बड़े बड़े नेताओं के इतर मोदी ने एक शानदार पहल की है। उन्होंने सार्क देशों को एक साथ मिलकर इस रोग से मुकाबला करने के लिए आगे आने को कहा है, जिसकी प्रशंसा केवल एशिया में ही नहीं पूरे विश्व में की जा रही है। अभी तक किसी भी मुल्क ने ऐसा सोचा तक नहीं था, बल्कि इसके उलट सभी एक दूसरे की सीमाएं बंद करने और आरोप प्रत्यारोप में उलझे थे। यूं भी यह वक्त दुनिया में राजनीति करने का नहीं है, संकट पूरी मानव जाति पर है। हालात इतने गंभीर है कि पृथ्वी नामक यह ग्रह मुश्किल में पड़ता जा रहा है। ऐसे में आपस में लठम लठा रहे तो यहां 1 साल के भीतर 12% से भी कम जीवन शेष होगा। कहने वाले तो यही कहते हैं कि दुनिया भर के वैज्ञानिक बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि चीन के शोधकर्ताओं ने बहुत तेजी से इसकी अनुवांशिक श्रृंखला के बारे में दूसरे वैज्ञानिकों को बताया है, और वे वैज्ञानिक इसके इलाज का टीका खोजने में जुट गए हैं। चीन में इस रोग निदान के लिए करीब 200 क्लिनिकल परीक्षण किए गए हैं। पर खास बात यह है कि दुनिया को चीन पर भरोसा नहीं है, क्योंकि जिसके इलाज का वह ढिंडोरा पीट रहा है, उसकी उत्पत्ति और विस्तार उसी ने किया है। यह मुल्क धूर्त और भरोसे के काबिल नहीं है। इसलिए जब कल भारतीय वैज्ञानिकों की तरफ से टीके की सफलता के करीब पहुंचने का बयान आया तो दुनिया में उम्मीद की किरण जगी है। भारत विश्वसनीय होने के साथ वास्तविकता के लिए जाना जाता है। बड़ी बात देखिए, अमेरिका के साथ मिलकर काम कर रही बायोमेडिकल एडवांस रिसर्च एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। उसका अनुमान है कि टीके को विकसित करने की लागत करीब $1 अरब यानी ₹75 अरब और इलाज की लागत भी इतनी आएगी, जिसे प्राप्त करना संभव नहीं है। इसका मतलब यह है कि अगर उन्होंने यह टीका विकसित कर भी लिया तो उसकी बिक्री से इतना रिटर्न उन्हें नहीं मिल पाएगा, यानी कुछ लोग अभी भी इसमें लाभ नुकसान ढूंढ रहे हैं। मानव सभ्यता के पृथ्वी पर होने या नहीं होने से उनका कोई वास्ता नहीं है। मामला निवेश और रिटर्न के बीच उलझ गया है। पर भारत को विश्व गुरु इसलिए ही माना जाता रहा है कि उसके लिए पूरा विश्व एक परिवार है। भारतीय संस्कृति मानव में मजहब नहीं तलाशती है, इसलिए उम्मीद है भारत के वैज्ञानिक कम वक्त में कोई बड़ी खुशखबरी जरूर देंगे। दरअसल दुनिया के वैज्ञानिकों को चिंता है कि अगर वे तेजी से टीके का पीछा करते रहे तो फिर भी 1 साल का वक्त लग जाएगा। यदि यह प्रक्रिया काम करती रही और शुरुआती नतीजे नकारात्मक आए तो फिर नए सिरे से काम करना पड़ेगा। इसका अर्थ यह है कि अपने $100,000 किसी चीज पर लगा दिए और उसने काम नहीं किया तो कंपनियां ही दिवालिया हो जाएगी। इसलिए बड़ी बड़ी दवाई कंपनियां भी इससे अपने हाथ खींच रही है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इंफेक्शियस डिजीज के निदेशक एंथोनी फासो भी यही संदेह व्यक्त करते हैं। उन्हें लगता है पैसा खर्च करने के बाद परिणाम नहीं मिला तो नुकसान की भरपाई कौन करेगा। इसका मतलब यह हुआ कि मानव सभ्यता जाए भाड़ में, रिटर्न का पैटर्न नहीं बदलेगा। पर मामला यहां तक नहीं है। अगर इस रोग का टीका विकसित कर भी लिया गया तो उसके परीक्षण में भी 1 से 1.5 साल गुजर जाएगा। बड़ी बात यह है कि दवाई अपने साथ कई दुष्प्रभाव भी लेकर आती है, जो नई बीमारी को जन्म देती है। इसका असर भी सिंगापुर के एक अस्पताल में देखने को मिला। यहां भर्ती 18 मरीजों में से जिन 5 लोगों को ऑक्सीजन की आवश्यकता थी, उन्हें एडविज की HIV दवा दी गई, जिसमें 3 की हालत सुधरी तो 2 की हालत और ज्यादा बिगड़ गई। यानी टीका बन भी गया तो जरूरी नहीं है वह सभी को सूट आएगा। हो सकता है बहुत से लोगों पर उसका दुष्प्रभाव पड़े। भारत के वैज्ञानिक इस समस्या पर भी काम कर रहे हैं। भारत के पास प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान है,
जिसमें ऐसे रोगों से मिलते जुलते रोगों का विवरण और चिकित्सा मौजूद है। यही प्राचीन विज्ञान और भारत का आधुनिक विज्ञान मिलकर दुनिया के लिए वरदान साबित हो सकता है, जिस पर तेजी से काम हो भी रहा है। और यह भारत की खूबी वही है कि वह कम संसाधन और मामूली पूंजी में बड़ी उपलब्धियां हासिल करके दिखाता है। संभवतः इस बार भी भारत ऐसा ही करके दिखाएगा। यूं भी यह वसुधैव कुटुंबकम पर मुश्किल की घड़ी है। यहां भारत विश्व गुरु की भूमिका नहीं निभाएगा तो फिर इस ग्रह को कौन बचाएगा? आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।